नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिजर्व बैंक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आचार्य ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी थी कि वह 23 जुलाई से पद छोड़ना चाहते हैं। आचार्य ने कार्यकाल पूरा होने के करीब 6 माह पहले ही पद को छोड़ दिया है। यह करीब 7 माह के भीतर है दूसरी बार है जब आरबीआई के किसी उच्च अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर में निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से 120 से अधिक बच्चों की मौत पर बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता मोहन प्रताप और शिव कुमार त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। न्यायालय ने बिहार सरकार को दिमागी बुखार पर नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बच्चों की मौत को रोकने के लिए संबद्ध अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने को लेकर शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लोकसभा चुनाव 2019 और उससे पहले संसदीय सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए सपा के साथ किए गए 6 महीने पुराने गठबंधन से नाता तोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भविष्य में पार्टी सभी छोटे बड़े चुनाव अपने बूते लड़ेगी। वहीं सपा ने मायावती पर घबराहट में आकर सपा के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि आम चुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने अब तक केवल उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी भविष्य के सभी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। अपने इस बयान से बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी से करीब 6 महीने पुराना गठबंधन लगभग खत्म कर दिया है। लोकसभा में विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया, जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की, जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अध्यादेश पिछली सरकार में लागू किया गया था। लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उक्त विधेयक पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। शांति सैनिकों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जगहों में शुमार अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भारत की तरफ से आए महिला शांति सैनिकों के दल ने कार्यभार संभाल लिया है। यह दल यहां चल रहे संघर्ष से सर्वाधिक पीड़ित महिलाओं और बच्चों की मदद करने आया है। भारत की ओर से आए महिला शांति सैनिकों के दल में 20 महिला शांति सैनिक हैं और इन्हें गत सप्ताह डीआर कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरता मिशन के तहत नियुक्त किया गया है। इस दल को डीआर कांगो के उत्तरी किवू प्रांत में तैनात किया गया है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इस पर कब्जे को लेकर करीब 38 सशस्त्र समूह संघर्षरत है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।